ऐसे में आज निश्चित रूप से भारत की जनसंख्या और कुछ और देश हैं जिनकी जनसंख्या असंतुलित हो रही है, उससे मेरा क्या फायदा? जिससे हमें अपने देश के नागरिकों का प्रति नागरिक जो कर्तव्य है, जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देना एक चुनौती बन रहा है। अच्छा वो तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कि जिन्होंने करप्शन के बहुत सारे छेद बंद किए और आज ठीक है समझ गया एक बहुत सकारात्मक पड़ाव पे ले आए हैं देश को, लेकिन भविष्य के लिए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत ही आवश्यक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो भाई ये बात दरअसल ऐसा है ना कि मनोज तिवारी 51 वर्ष की उम्र में तीसरी बार पिता बनने जा रहे हैं और बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण का। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अरे रुको जरा सबर करो, मनोज तिवारी तीसरी बार पिता बनने वाले हैं। तीसरी औलाद की इस दुनिया में आने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी की गोद भराई की रस्म की। इक्यावन साल की उम्र में तीसरी बार पिता बनने को लेकर मनोज तिवारी बेहद खुश है। मनोज तिवारी ने पति सुरभि तिवारी की गोद भराई की रस्म की झलकियां साझा की। वाह तिवारी जी, मतलब कथने कुछ और करने कुछ, करीज पर लोगों ने रिंचा के पापा को जमकर धोया है। तो ऐसी पे एक यूजर लिखते हैं, लगता है तीसरी बिटिया ही है। वंश चलाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं, लड़के पैदा करने की जरूरत पड़ती है नेताजी को, क्योंकि इतना नाच गा के बीजेपी की चमचागिरी करके काला धन सफेद हुआ उसका क्या होगा। हरामी मानुस दो दिल में पलट गया, वाह तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है। तो एक और यूजर लिखते हैं, देख रहे हो ना विनोद, दोगला नीति आम जनता, अगर तीसरी बच्चा पैदा करे तो सारी सरकारी सुविधा खत्म। गजब डूबी बाज आदमी। तो बेरोजगार युवा नामक यूजर लिखते हैं, सिर्फ जनसंख्या पर ज्ञान देने को कह दो बस, तब इनका ज्ञान देखो, अभी तो रिंकिया चिंकिया पिंकिया टिंकिया और सिंकिया आना बाकी है, लगे रहो। तो दीपेंद्रा जी लिखते हैं, ये लोग जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाएंगे जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अरे निकालो इस धर्मी को यहाँ से।